यूपी की तर्ज पर इन दिनों बिहार में भी प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। इस कड़ी में बेतिया के नरकटियागंज में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार के निर्देश पर सड़क किनारे दुकानों के आगे बने टीन और प्लास्टिक के शेड को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बता दें कि प्रशासन ने सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर दुकान चलाने वालों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, मगर प्रशासन की सख्त हिदायत के बावजूद दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती से अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम को देखकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार भाग खड़े हुए। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद सोहेल समेत पुलिस बल मौजूद रहे। उनका हम लोग अतिक्रमण की आज का शुरुआत किया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट के रूप में 4 लोगों की नियुक्ति हुई है, वीडियो साहब, सीओ साहब, एक्सिक्यूटिव ऑफिसर और नगर प्रबंधक। और इसमें जो शिकारपुर थाना की तरफ से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। हम लोग मुख्यतः ये करते हैं कि सभी जो रोड रास्ते पे आम जन के लिए जो दिक्कत बने हुए हैं, उस पथ पर हम अतिक्रमण मुक्त कराते हुए एक मार्किंग भी हम लोग कराएंगे। और उसके बाद नगर प्रशासन की तरफ से हम लोग का ये विचार है कि उसका फेंसिंग भी करवाएंगे हम लोग ने। तो उससे क्या होगा कि एक निर्धारण रहेगा कि समेकित स्थान से आगे कोई ठेला या कोई अतिक्रमण का चीज नहीं, जिससे यातायात सुगम होगा और शहरवासियों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। वेंडिंग जोन टाइप का, वेंडिंग जोन के लिए स्थल के में हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक निर्धारण जरूर करेंगे कि कहाँ पे वेंडिंग जोन क्या, नॉन वेंडिंग जोन करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि डेंडुलम के तहत भी ये चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है विभाग की तरफ से। तो हम लोग वैसा चीज़ करेंगे कि जहाँ पे आम जन के लिए यातायात जो है शहर का वो बाधित हो। बता दें कि ओवरब्रिज से लेकर शिवगंज चौक तक लगने वाली एक दर्जन दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मुख्य सड़क खाली होने से नगर का नजारा ही बदल गया। अब लोगों को उम्मीद है कि उन्हें जाम की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेतिया से जिशान अहमद की रिपोर्ट।